कल का व्लॉग मैंने एंड किया था रात के 2:30 बजे, जब मैंने काफ़ी सारी शूट कंप्लीट कर ली थी उसके बाद। और 2:30 बजे के बाद से अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और मुझे नींद नहीं आई। मैं टाइम पास कर रहा था, कुछ काम नहीं किया मैंने, और ऐसे ही रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था। थोड़ा बहुत काम किया, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों के जो मैसेजेस और कमेंट्स आए थे उनके रिप्लाई किए मैंने, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे उसका रिप्लाई किया। अभी 5 बजने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है नवंबर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 272 देख रहे हो आप। 5 बज चुके हैं, मतलब 5-7 मिनट ही बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं चाय पी के आते हैं, फिर अगर हो सके तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद सो लेंगे, अदरवाइज़ नींद नहीं आई तो काम कर लेंगे। जो वीडियोस मैंने शूट किए हैं उसको एडिट करके मैं चाहता हूँ कि आज ही अपलोड कर दूँ और मैक्सिमम लोगों को वो वीडियोस फॉरवर्ड करवा दूँ, ताकि जिनको प्रूफ चाहिए था अर्निंग का इन्फिनिटी मीडिया मार्केटिंग के लिए, वो मिल जाएगा एंड उसके बाद वो सेटिस्फाई होकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि इंक्वायरीज हमारे पास बहुत सारी आ रही है, लेकिन उसमें से जो कन्वर्जन है वो 10-20% ही है। मैं चाहता हूँ कम से कम 70-80% कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन तभी होगा जब लोगों को क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी तभी होगी जब प्रूफ देंगे, तो प्रूफ मैंने आज के वीडियो में शूट कर लिया है, बस उसको एडिट करके अपलोड करना है। इसके अलावा जो जॉब्स थी हमारे पास उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन करना था, तो वो भी मैंने कंप्लीट किया। मतलब जो भी टेलीकॉलिंग और HR प्लस सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए जो लोग चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ये तीनों का ही किया है, HR का, टेलीकॉलर का एंड जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनका, उनकी डिटेल वीडियो मैंने बना ली है। डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी सब बनाने पड़ेंगे, उसको एडिट भी करना होगा अच्छे से, बट ये काम सारा जल्दी करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर मैं कैसे भी टाइम निकाल के ये चीज़ें कम्प्लीट कर लूँ तो सही रहेगा। फिलहाल चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। अभी टाइम हो रहा है 5:45, अंधेरा है अभी तक, मेरी लगभग 45 मिनट्स की वॉक हो चुकी है। मैं करेक्ट 5 बजे घर से निकल चुका था एंड 15 मिनट और लगेंगे घर पहुंच जाऊंगा 6 बजे तक। मज़ा आ रही है मॉर्निंग वॉक करके, रात भर बिना सोए सुबह मॉर्निंग वॉक करके देखो अलग ही फील आती है। वॉक करके मज़ा आ गया, करेक्ट 6 बजे, करेक्ट 5 बजे निकला था, करेक्ट 6 बजे आ गया वापस, करेक्ट। तो एक तो 2:30 बजे तक रिकॉर्डिंग की मैंने, फिर ना नींद ही नहीं आई, तो साला मैं सोचा कर ही लेते हैं वॉक, मज़ा आ गया। देखो, अगर अभी भी नींद नहीं आई तो वीडियो एडिटिंग करनी है और काफ़ी सारी करनी है, जो भी वीडियोस मैंने शूट किए हैं कल रात को उनको आज ही अपलोड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्या है ना, लोगों को जल्दी जल्दी एजुकेट करके जल्दी जल्दी जोड़ना ज़रूरी है। अपने पास बहुत सारा पेंडिंग काम है और उस काम के लिए जो रिकॉर्डिंग कल मैंने की वो बहुत ज़रूरी थी। आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन वॉक करने मज़ा आया। अभी इधर राजस्थान भिलवाड़ा का जो टेम्परेचर है 14 डिग्री ज़्यादा है, पेपर में आया था ऐसा, तो 14 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। और मैं निकल तो गया था, फिर थोड़ी सी जॉगिंग की ताकि थोड़ी बॉडी गर्म हो, उसके बाद वॉक की और मस्त चाय पी के आया, मज़ा आ गया। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं और नींद नहीं आई तो काम करते हैं। वॉक करके मैं आया था 6 बजे और लगभग 7 बजे तक जगा हुआ था, और 7 बजे के बाद सोया हूँ और अब भी उठा हूँ 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो ऑब्वियसली बात है, नींद तो आनी थी, लेकिन ऐसी आनी थी मैं नहीं सोचा था, बहुत ज़ोरदार सोया मैं। कितने घंटे सोया यार, 4, 5, 6, 6.5 घंटे, 6.5 घंटे नींद रिक्वायर्ड होती है। मैं सोचा था कि मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर सोऊंगा, लेकिन मैं जब वॉक करके वापस आया तो पहले तो फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद जब बेड पे आया तो आई मेरे को नींद। 7 बजे तक तो जगा था लेकिन उसके बाद कब सोया पता नहीं, और सीधा अभी उठा हूँ 1:30 बजे। तो अब उठते साथ वही काम करना चालू, जिनके मैसेजेस, क्वेश्चंस, रिप्लाइज, सबके कुछ ना कुछ इशू रहते हैं तो वो सॉल्व कर रहा था अभी पिछले आधे घंटे से। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा धो के खाना पीना करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आज से चालू करूँगा अपना 3 टास्क पर डे वाला चैलेंज, मतलब डेली के 10 टास्क लिखने और 10 टास्क में से कम 3 करने, अगर ज़्यादा हुए तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 करने। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे महान लोगों ने कहा है कि सिर्फ तुम ऐसा कर लो तो तुम 6 महीने के अंदर लाइफ में 5 साल आगे हो सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ अपने स्टार्टअप पे अप्लाई की जाए, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है मेरा स्टार्टअप 6 महीने के अंदर 5 साल जितना बढ़ जाए, क्योंकि देखो किसी भी काम को चालू करने के बाद ऐसा नहीं होता कि रातों रात फटेहाल पैसा बरसने लगे, वक्त लगता है उसमें, क्योंकि उस चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे को। जैसे कि
कम से कम 2 साल 2.5 साल अच्छी इनकम आने में लगती। लेकिन क्योंकि आजकल फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चला जा सकता है, तो 6 महीने के अंदर क्या पता 5 साल जितना ग्रोथ ला दूँ अगर मैं एकदम लग के काम करूँ तो। डेली के 3 टास्क करने अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, यानी कि इन्फिनिटी मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, और ये करके 6 महीने के अंदर क्या इन्फिनिटी मीडिया मार्केटिंग 5 साल जितना ग्रो कर पाएगा, ये चैलेंज मैं आज से ही चालू करूँगा। देखते हैं, फिलहाल तो नहाना धोना खाना पीना करने के बाद बुद्धि ठीक से काम करेगी, फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी का थोड़ा खाली पेट, मेरा दिमाग नहीं चलता तो मैं नहा धो लेता हूँ। फाइनली 2 बज चुके हैं, नहाना धोना हो चुका है और अब लगी है जोरों की भूख, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का टाइम निकल चुका है, तो जो भी टाइम है उसमें खाना ज़रूरी हो रखा है। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ी शरीर में एनर्जी लाते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कि टास्क वाला काम करना है कि नहीं करना है। 3 टास्क पर डे, मिनिमम 3 टास्क पर डे। ब्रेकफास्ट नंबर 1, ब्रेकफास्ट नंबर 2, फिर कर लिया लंच और टीवी पे आ रहा था साउथ इंडियन मूवी का पंच। ये सारा काम करते करते 2-3 घंटे निकल गए, लगभग 5 बजने वाले हैं। मैं नीचे 2 बजे गया था नहा धो के, और 3 घंटे के अंदर 3 आइटम खाए, मतलब अलग अलग वैरायटी, और फिर मूवी देखी थोड़ी सी। मूवी अभी भी आ रही है लेकिन मैं और नहीं देखना चाहता, मेरे को भी मिनी ब्लॉग पे वॉइस ओवर कंप्लीट करके अपलोड करना है, क्योंकि 5 बज चुके हैं, 6 बजे मेरा मिनी ब्लॉग आता है, तो अभी वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँगा। फिर उसके बाद जो कल वीडियो शूट किया था उसको एडिट करना है। ये 3 टास्क पर डे वाले में मैं क्या कैसे स्टार्ट करूँ थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो सोच रहा हूँ कि आज उसको पोस्टपोन करते हैं, कल से इस चीज़ की शुरुआत करेंगे और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करूँगा, और आज रात को ही डिसाइड कर लूँगा कि इसको कैसे कैसे करना है, क्योंकि भी प्रॉपर मैंने सोचा नहीं किस तरीके से करना है, बस एक आइडिया है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या बोलना है, थोड़ा उस पर थॉट देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। डेली करते करते काम हो जाती है शाम, आज काम करते करते रात हो गई लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। चलते हैं डिनर करते हैं और फिर सोएंगे। मैं क्या दोबारा सोया नहीं, इसलिए मेरे को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी आँख अभी लग गई थी ऑलमोस्ट, मासी ने कॉल किया तब जाके आँख खुली है। डिनर हो गया, बर्गर भी खा लिया, आलू के पराठे भी खा लिया, पेट पेट तक नहीं पेट गले तक भर गया है। तो अभी वाला ब्लॉग एंड करते हैं और अब सीधा मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 272 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।